चैप्टर 13 प्रोविजन एंड लाइबिलिटीज। इसको पढ़ लेते हैं। प्रोविजन्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या। ओके स्टार्ट कर। प्रोविजन्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लाइबिलिटी का डेफिनेशन है। लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू ऑफर टू ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। ठीक है, यानी कि पास्ट कोई इवेंट हुआ, जैसे आपने गुड्स परचेज की क्रेडिट पे, प्रेजेंट में एक ऑब्लिगेशन आ गई आप पे, अब आपने फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट ट्रांसफर करने हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट मींस मॉनेटरी बेनिफिट, और नॉर्मली कैश के फॉर्म में होते हैं। तो पास्ट इवेंट हुआ जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई, क्या अब आपने मॉनेटरी बेनिफिट देने पे करना है, तो लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने गुड्स खरीदी तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई कि अब हमने पेमेंट करनी है। अच्छा, इन मोर सिंपल टर्म्स लायबिलिटी इज समथिंग दैट अ बिजनेस ओज टू समवन एल्स। ठीक है, इट इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज सेटल्ड इन कैश, नॉर्मली कैश फॉर्म में पेमेंट होती है। इट इज समथिंग दैट बिजनेस कैन नॉट अवॉइड। ठीक है, ये तो हो गए लायबिलिटीज, क्लियर है। अच्छा, टाइप्स के डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटीज आर आइटम दैट इज ड्यू टू बी पेड विद इन 1 ईयर। नॉन करंट लायबिलिटी क्या, नॉन करंट लायबिलिटी इज एन आइटम दैट इज ड्यू टू बी पेड आफ्टर मोर देन 1 ईयर। ये आपको क्लियर है। करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज आर ग्रुप टूगेदर एंड रिपोर्टेड सेपरेटली इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। ठीक है, अलग अलग दिखाते हैं ना हेडिंग वाइज, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी। ये तो क्लियर है, पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा, एक्टिविटी 1, व्हिच ऑफ दीज आइटम्स आर नॉर्मली क्लासिफाइड क्लास्ड एज नॉन करंट लायबिलिटी। बैंक लोन है बी ऑप्शन। ठीक, अब बात करते हैं प्रोविजन। अच्छा, ये बताएं, इसमें भी आते हैं, ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई लायबिलिटी हो सकती है कि जिसमें ये तो हमें मालूम हो कि लायबिलिटी है हम पर, हम पे एक लायबिलिटी, हमने पेमेंट्स करनी है, लेकिन ये ना मालूम हो कि कब या कितना अमाउंट पे करना है। ऐसी कोई लायबिलिटी हो सकती है कि आपको ये तो पता है कि आप पे लायबिलिटी है, लेकिन ये मालूम ना हो कि कब और कितना अमाउंट पे करना होगा, या कब या कितना अमाउंट पे करना होगा। कोई आइडिया सुना तो नहीं है, नॉलेज में नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने वो क्वेश्चन कर रहे थे एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस का, उसमें हमने बात की थी ना वो लीगल केस की, डिफेक्टेड गुड सेल की, उसने कंपनसेशन के लिए उसने केस किया, प्रोविजन रिकॉर्ड की थी हमने अभी अभी एंट्री बनाई थी ना लीगल एक्सपर्ट। ठीक है, तो राइट, इसमें देखिए कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि आप पे केस चल रहे हैं, किसी ने आप पे केस किया, अच्छा, और आपके लॉयर ने बताया कि आप केस हार जाएंगे और आप पे 1 लाख का फाइन लगेगा, तो वही एक कैसे एस्टिमेट। लायबिलिटी अमाउंट का पहले। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ना तो हमें अमाउंट पता है ना टाइम कंफर्म है ना, लेकिन ये कब कंफर्म कब होगा, जब केस का फैसला आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि कब और कितना फाइन देना है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि लायबिलिटी लगेगी आप। ठीक है, अच्छा, एक ये कंडीशन होती है कि आप पे केस हो गया। अच्छा, आपने एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वारंटी में, 1 ईयर वारंटी, 2 ईयर वारंटी, जो भी 5 ईयर वारंटी में प्रोडक्ट सेल करते हैं। अच्छा, अब कब कितना आइटम्स वारंटी में क्लेम होंगे नहीं मालूम, ठीक रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आएगी नहीं मालूम, लेकिन ये पता है कुछ तो आएंगे, ऐसा तो नहीं 100% परफेक्ट, तो कुछ भी नहीं होता, तो वारंटी क्लेम भी होगी, कुछ आइटम्स आएंगे आपको रिपेयर भी करना पड़ेंगे, कॉस्ट भी इनकर होगी, लेकिन कब और कितना नहीं पता। अच्छा, कुछ बिजनेस गुड सेल करते हैं जहाँ रिफंड की पॉलिसी भी होती है ना, पाकिस्तान में तो बहुत कम ही होता है ऐसा रिफंड, लेकिन और कंट्रीज में रिफंड भी हो जाता है, और गिवन के रियूज करने के बाद भी रिफंड हो जाता है, पता है, यहाँ तो आप पैकिंग खोल लेते तो कोई रिफंड नहीं करता, वहां पे क्या प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, या अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, वो आपको सूट नहीं कर रहे, तो आप यूज प्रोडक्ट भी रिफंड कुछ कर सकते अमाउंट हैं, कटती है। पूरा अमाउंट मिल जाता है। ठीक, तो ये पॉसिबल। एक दोस्त है मेरा कैनेडा में, वहां उसने एक शूज खरीदे, 1 वीक यूज किए शूज, उसने समझ में नहीं आया कुछ, प्राइस ज्यादा लगे उसको और कंफर्ट कम लगा, रिफंड करके आ गया, पूरे सर पैसे अच्छा मिल वो गए। यूट्यूबर है वहां पे ना दुबई में आईफा अवार्ड हो रहा है, उसने खरीदा ड्रेस खरीदा पहना और वापसी करके आया। हाँ, ऐसे ही होता है, तो वहां रिफंड हो जाता है, यूज के बाद भी रिफंड हो जाता है। ठीक है, कि आप उसको, अगर आपको सूट नहीं कर रही है प्रोडक्ट, आप सेटिस्फाई नहीं है उसकी परफॉर्मेंस से, तो आप यूज के बाद भी वो रिफंड
कर सकते हैं। अब देखें यूज की भी चीज, अगर वो रिफंड लेगा बिजनेस मैन तो वो रीसेल तो नहीं होगी ना, वो यूजलेस हो गई, यूज प्रोडक्ट वो करें। पाकिस्तान आसान तो हो जाता है जल्दी। में तो सब कुछ हो जाता है, रिफंड ही नहीं करते पहले बात तो, ये यूज आइटम तो रिफंड ही नहीं होता, तो वो नौबत ही नहीं आती, हो भी जाता है यूज आइटम नहीं होता। नहीं होता सर सही बात है। यूज आइटम यूज की रिफंड बात होगा कर, क्या भाई? ओके यूज की बात कर, अनयूज तो रिफंड हो जाता है, यूज तो कोई रिफंड नहीं करता ना एक बार, ठीक है। तो वहां पे अगर यूज आइटम आप रिफंड ले रहे हैं तो आपके लिए फिर यूजलेस हो गया ना, रीसेल तो नहीं होगा, वो रीपैक नहीं होगा, ठीक है। सर, इसके लिए अच्छा कोई आपको ऑथेंटिक रीजन देनी पड़ती होगी ना कि आप मतलब क्या कोई खराब खास, है कोई क्या खास गलत है रीजन नहीं, सूट नहीं कर रहा, तुम्हारा सर। ये तो बिजनेस फिर हर बंदा यही करे नहीं करते ना, ये तो फर्क है ना ये पाकिस्तानी बात और है। उसमें, बस ये बता, ये चीज पाकिस्तान में होती है, वहां पे ऐसा नहीं होता, इसलिए वो और देते हैं रिफंड पॉलिसी होती है। यहाँ पे पता है आपको पाकिस्तानी को क्या हालत है, इसलिए रिफंड पॉलिसी नहीं बनाई जाती, इसलिए सर रिफंड पॉलिसी वाले प्रोडक्ट महंगे भी होते होंगे कुछ भी नहीं रिटर्न होता तो ऐसा, कुछ अपना भी नहीं होता अमाउंट निकालते ऐसा, ही कुछ मतलब नहीं होता, वहां लोग हमसे ज्यादा ईमानदार हैं। ये तो। जैसे कि यहाँ पे होता है ना दराज पे, आप कोई चीज खरीदते हैं ऑनलाइन तो उसमें भी 7 डेज रिफंड पॉलिसी होती है, मैं आपको कॉल करना पड़ता है सर कस्टमर नहीं को होता। कॉल खैर करना पड़ता मैंने एक दो प्रोडक्ट की थी लेकिन वो डिफेक्टेड थी, जैसे एक आइटम मैंने लिया और 2 दिन यूज, इलेक्ट्रिक आइटम था, 2 दिन बाद जल गया वो, तो जली हुई चीज जल्दी तो भी तो वारंटी नहीं होती। रिफंड हो गया, 7 डेज रिफंड। एक मैंने इसका कनेक्टर लिया था वो भी 1 दिन चला, उसके बाद वो खराब मेरे हो मोबाइल गया, की साइड डेड हो मेरे गया, वो मैंने जाके रिफंड कर दिया, वो मोबाइल गया। की साइड वही है पास उसका भी खैर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर जैसे उसका मैंने सुना था दराज का, कि लोगों ने मोबाइल मंगवाए, जैसे घर में कोई तकरीब, आपका शादी, आपने एक अच्छा सा मोबाइल मंगवाया, पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोस बनाए, भरम भरम कराए मोबाइल के, और विद इन 7 डेज शादी के बाद रिफंड कर दिया। तो ये ये भी केसेस हुए हैं, पाकिस्तान में हरकतें होती हैं, इसलिए वो ये पॉलिसी नहीं रखते, ठीक है। अच्छा तो अब अगर आपकी रिफंड की पॉलिसी है तो आप उसमें आप ये नहीं बता सकते कि कब कितना आइटम्स रिफंड होंगे और कितनी पेमेंट आपको, तो यहाँ भी क्या एक अनसर्टेनिटी आ गई। तो तीन सिचुएशन हो गई, एक आप पे केस चल रहा है, या वारंटी की पॉलिसी है आपकी, या रिफंड पॉलिसी है, तो इसमें ये तो कंफर्म होता है कि कुछ तो आप पे लायबिलिटी आएगी, लेकिन ये नहीं पता कब और कितना अमाउंट आएगा, ठीक है। तो ऐसी लायबिलिटीज के लिए फिर हम टर्म यूज करते हैं प्रोविजन, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है, प्रोविजन क्या है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, ठीक है। एक ऐसी लायबिलिटी जहां आपका टाइम या अमाउंट सर्टेन ना, ठीक। अब इसको पढ़ते हैं डिटेल में। तो इफ अ बिजनेस हैज ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, इट्स मैनेजमेंट नो दैट देयर इज अ लायबिलिटी। अच्छा, मैनेजमेंट आल्सो नोज द अमाउंट दैट द बिजनेस विल हैव टू पे एंड व्हेन इट विल फॉल ड्यू, ठीक है। सर लायबिलिटी पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में दोनों चीजें सर्टेन होती हैं कि कब और कितना अमाउंट आपको पे करना है, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स द पोजिशन इज लेस क्लियर, फॉर एग्जाम्पल सपोज अ बिजनेस सेल्स फॉल्टी गुड्स टू अ कस्टमर एंड द कस्टमर मेक्स अ क्लेम फॉर डैमेजेस, सही। अच्छा, द केस विल नॉट बी हर्ड फॉर सेवरल मंथ्स एंड इट इज प्रोबेबल बट नॉट सर्टेन दैट द बिजनेस विल बी लायबल। अच्छा, यहाँ टर्म यूज हो रही है प्रोबेबल, प्रोबेबल है बट नॉट सर्टेन। तो प्रोबेबल के अगर हम इसको लेना जरा परसेंटेज में, तो यहाँ पे मतलब चांसेस मोर देन 50%, मोर देन 50% चांस हो अगर, तो वहां टर्म यूज होती है प्रोबेबल। ये किसी भी काम के होने या ना होने के चांसेस अगर मोर देन 50% हैं तो वहां टर्म यूज करते हैं प्रोबेबल। तो अगर इट इज प्रोबेबल यानी कि मोर देन 50% चांस है बट नॉट सर्टेन, तो कुछ भी नहीं होता ना, कि दैट बिजनेस विल बी लायबल, ठीक है। तो इन एडिशन द एक्चुअल अमाउंट पेबल डिपेंड्स ऑन नेगोशिएशन बिटवीन द लॉयर्स, ठीक। अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा, इन दिस सिचुएशन बिजनेस प्रोवाइड्स फॉर द प्रोबेबल लायबिलिटी, फिर हम एक प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जहां हम लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे और उसको नाम देंगे प्रोविजन का, इट रिकॉग्नाइजेस अ प्रोविजन फॉर द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डैमेजेस। इन अदर वर्ड्स डबल एंट्रीज आर पोस्टेड टू रिकॉर्ड द प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे अभी हमने इसकी एंट्री बनाई थी ना, एंट्री बनी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजंस क्रेडिट, ठीक। तो यहाँ लाइबिलिटी को हम प्रोविजन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं ताकि एक नॉर्मल लाइबिलिटी में और प्रोविजन में डिफ्रेंशिएट कर सके। जैसे अकाउंट्स पेबल लिखा है तो वो कहाँ यूज होगा, जहाँ पे टाइम और अमाउंट सर्टन,
उसको आप क्या नाम देंगे, अकाउंट्स पेबल या लोन पेबल है, ठीक। और जहां अनसर्टेनिटी है वहां पर हम टर्म यूज करेंगे प्रोविजन, ताकि डिफरेंशिएट राइट। अच्छा, अनसर्टेनिटी इज व्हाट डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोविजन फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ लायबिलिटी सच एज अ ट्रेड पेबल और एन एक्रूड एक्सपेंस, ठीक है। तो नॉर्मल लायबिलिटी और प्रोविजन डिफरेंस क्या है, अनसर्टेनिटी का, ठीक है, ये हो गया। जिसकी एंट्रीज हैं तो पहले डिफरेंस देख लिया हमने, लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है। एंट्रीज हैं अकाउंटिंग फॉर लाइबिलिटीज, ये सब तुम पढ़ चुके हैं ना। वेयर अ ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन अ लाइबिलिटी देयर इज यूजुअली अ डेबिट टू एन एक्सपेंस अकाउंट एंड अ क्रेडिट टू अ लाइबिलिटी अकाउंट ना। फॉर एग्जाम्पल परचेज डेबिट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट। यानी कि परचेज की नेचर क्या, एक्सपेंस, और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट लाइबिलिटी, ठीक। व्हेन अकाउंट पेबल होता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट पेबल के दूसरा नाम है ना, अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट का दूसरा नाम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, व्हेन अ बिजनेस सेटल्स अ लायबिलिटी द ट्रांजैक्शन रिड्यूसेस बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और कैश एट बैंक, क्रेडिट, ये तो हमें पता है। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर ट्रेड पेबल एंड अक्रूअल्स हैव बीन कवर्ड इन अर्लियर इन डिटेल इन अर्लियर इन दिस टेक्स्ट। अच्छा, ये हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं पहले, अक्रूअल्स प्री पेमेंट का। और लोन के इंट्रीज क्या होंगे, अब नॉन करेंट लायबिलिटी। लोन इज ऑफन रीपेड इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट कंसिस्टिंग पार्टली ऑफ कैपिटल रीपेमेंट एंड पार्टली ऑफ एन इंटरेस्ट पेमेंट। ऐसे ही होता है कि जब लोन लेते हैं और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो उस इंस्टॉलमेंट में कुछ आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कुछ इंटरेस्ट होता है। द कैपिटल एलिमेंट रिड्यूसेस द बैलेंस ऑफ द लोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, while the interest element is charged to the statement of profit and loss, ठीक। एग्जाम्पल है, एलिट्रॉप गार्डन सप्लाइज बोरोस 30,000 फ्रॉम अ बैंक, इट रीपेज अ लोन इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 350, ऑफ विच 50 इज इंटरेस्ट, शो द फर्स्ट 2 months मंथली पेमेंट्स। अच्छा, पहले हम लोन रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट लोन पेबल, ठीक है। पहले एंट्री हो गई, ये बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और लोन पेबल हो गया। इसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट है 350 की, जिसमें 50 आपका इंटरेस्ट है। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, लोन पेबल डेबिट होगा 300 से और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा 50 से और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 350 से, ठीक। इसी तरह सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो लोन पेबल डेबिट होगा 300 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा 50 से और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 350 से। अच्छा, ये नॉन करेंट लायबिलिटी हो गई। आप जरा प्रोविजन कैन चीज बनाते हैं, आप लोग कर लीजिएगा एक्टिविटी टू। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर प्रोविजन और डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन है, IAS 37 प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेलेवेंट टू अकाउंटिंग फॉर प्रोविजन। अच्छा, ये लिखा हुआ है IAS, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसके नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं ये, IS 1, 2, 3, 4 इस तरह से चल रहे हैं। यानी हर टॉपिक पे एक IAS होता है, ठीक है, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं कि आपने हर किस चीज को क्या ट्रीट, किस तरह ट्रीट करना है। तो IAS 37 है, ये रिलेट किससे करता है, प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट से। ऐसे कंप्लीट IAS 37 हम पढ़ेंगे F3 में कंप्लीट। फिलहाल आपके कोर्स में सिर्फ कितना से अभी F2 में प्रोविजन है, तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे प्रोविजन की, बाकी ये कंटिजेंट लाइबिलिटीज और कंटिजेंट एसेट F3 में पढ़ेंगे। अच्छा, क्या कहता है, इट प्रोवाइड स्ट्रिक्ट रूल्स एज टू व्हेन अ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, कब रिकॉर्ड करेंगे, हाउ अ प्रोविजन शुड बी मेजर्ड, किस अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, मेजरमेंट कैसी होगी, हाउ प्रोविजन शुड बी डिस्क्लोज इन द अकाउंट, डिस्क्लोजर क्या होगा, यानी कि एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस क्या रिकॉर्ड करेंगे। इसको पढ़ते हैं तीनों पॉइंट्स को डिटेल में। पहला पॉइंट है व्हेन अ प्रोविजन, व्हेन टू रिकॉर्ड अ प्रोविजन, कब रिकॉर्ड करेंगे। वी हैव सीन दैट अ प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट
liability is an obligation to transfer economic benefits, and therefore a provision cannot be recognized unless the business has an obligation to incur expenditure. अच्छा क्या लगे, ये तो हो गया सारा ना. अच्छा, द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज दे आर एंटिसिपेटेड. ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इरिकवरेबल डेट्स में ना, कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस है या एक्सपेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर लें. सर इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम भी? बताते हैं ना, आते हैं तो तीनों पॉइंट ऊपर बताए ना, हाउ अ प्रोविजन शुड बी मेजर्ड, सबकी बात करते हैं. अच्छा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लॉस इफ एक्सपेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर लें, लेकिन हर एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करते. उससे क्या होगा, एक्सपेंस ज्यादा हो जाएंगे, ओवर स्टेट होंगे, प्रॉफिट आपका अंडर स्टेट होगा, लाइबिलिटीज आपकी ओवर स्टेट हो जाएंगी ना. जैसे भी आपके लॉयर ने कहा आप पे केस चल रहा है और केस हारने के चांसेस 20%, अच्छा तो 80% जीतने के चांस हो गए ना, तब यहाँ प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं जो होंगे आपकी ना. फिक्स है कि ये आपको लॉस हो सकता है तो उस पर जहां शॉर्ट चांसेस ज्यादा होंगे वहां रिकॉर्ड करेंगे, तो हर लाइबिलिटी को आपने रिकॉर्ड नहीं करना ना, ये बात अब ठीक है. देखिए, व्हेन प्रूडेंस हो गया, हाउएवर अ बिजनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज प्रोविजन फॉर एवरी पोटेंशियल एक्सपेंस और लाइबिलिटी दैट इट माइट फेस इन द फ्यूचर. ठीक है, इससे क्या होगा, दिस वुड रिजल्ट इन फाइनल अकाउंट्स दैट ओवर स्टेटेड लाइबिलिटीज एंड अंडर स्टेटेड प्रॉफिट्स. ठीक है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द यूजर वुड नॉट बी रिलायबल. ठीक, अब कौन सी ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड होगी, फिर अब उससे बात करते हैं कि अपने प्रोविजन कब रिकॉर्ड करना है. प्रोविजन शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि मींस रिकॉग्नाइज्ड मींस क्या होता है, इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन. अब तीन पॉइंट्स हैं, एन एंटिटी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. ठीक है, पास्ट इवेंट हुआ कि आपने कस्टमर को फॉल्टी गुड सप्लाई की और उसने आप पे केस कर दिया, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई. ठीक, सर अगर हमें खुद भी नहीं पता कि फूड फॉल्टी है, मैंने इस कस्टमर को दे दी केस, तो भी तो केस क्यों करे? हमें खुद भी नहीं, या ये आपको चेक करना था ना, ऐसे कैसे दे दिया उठा के. अब अपने गाड़ी दे दी कस्टमर को, फिर एक डिलीवरी आपने टाइम गाड़ी को गाड़ी दी कस्टमर को, एक व्हील लूज थे उसके, व्हील के बोल्ट व्हील निकल गया रोड पे, तो सर डिलीवरी के टाइम पे अगर कुछ हो जाए, ये आपकी गलती है ना, आपकी गलती है. आपको तो सही चीज डिलीवर करनी है ना, पैसे पूरे ले रहे हैं, प्रोडक्ट भी सही दे, चेक करके देना है. अब गाड़ी आप सेल कर रहे हैं शोरूम में, गाड़ी के बोल्ट लूज थे व्हील के, रोड पे व्हील निकल गया उसका, कौन रिस्पॉन्सिबल है, गाड़ी ये आपको देखना है ना, आपकी गलती है ना, आपकी नेग्लिजेंस है. तो सही दे रहा हूँ ना, सही है, तो आपकी नेग्लिजेंस बस। है. अच्छा, अब क्या पॉइंट्स आप पढ़ लें. पहला पॉइंट, एन एंटिटी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो. सेकंड देखें, अब ये मेन पॉइंट है, इट इज प्रोबेबल, अभी मन ठीक है, मोर लाइकली देन नॉट. मैंने अभी बताया प्रोबेबल मीन्स मोर देन 50% चांस, तो मोर देन 50% चांस होने चाहिए. ठीक है, इट इज प्रोबेबल दैट ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन. तो जहां मोर देन 50% चांस होंगे कि आपने पेमेंट करनी है, वहां प्रोविजन रिकॉर्ड होगी, लेस देन 50% पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि लेस देन 50% का मतलब जीतने के चांस ज्यादा हो गए ना, तो फिर आप प्रोविजन क्यों रिकॉर्ड करें. सही, तो जहां पेमेंट मोर देन 50% चांस होंगे वहां रिकॉर्ड होगी. और थर्ड पॉइंट, अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट. तो अभी बात आ गई कि एक्चुअल अमाउंट तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेट ले. ठीक है, जैसे अगर आप पे केस चल रहा है लीगल केस, तो एस्टिमेट कौन देगा, हमें लॉयर देगा, वो बताएगा भाई पहले भी इस तरह का केस हुआ था, उसमें इतना फाइन लगा था, दूसरे में इतना लगा था, तो आप पे तकरीबन इतना फाइन लग सकता है, एस्टिमेट है. अच्छा, अब ये वारंटी की बात करें, रिफंड की बात करें, तो उसमें क्या होता है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कितने क्लेम्स आए थे, तो उसकी बेस पर आप एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं. जैसे डाउटफुल डेट्स में होता है एक परसेंटेज सेट कर लेते हैं, तो यहाँ भी आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए एक परसेंटेज सेट कर सकते हैं. ठीक, उसकी बेस पे एक अमाउंट एस्टिमेट हो जाता है, वो फिर एडजस्टमेंट बाद में उसकी होती रहती है. सही, तो ये तीन पॉइंट्स हैं, तीनों फुलफिल हुए, पास्ट इवेंट है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मोर देन 50% चांस, और रिलायबली आप उसको एस्टिमेट निकाल सकें, तब आप प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे. अच्छा, अब ये इसकी टाइप्स है यहाँ पर ऑब्लिगेशन की. ऑब्लिगेशन कैन बी लीगल
सेकंड टाइप क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस। तो ऑब्लिगेशंस होती हैं दो टाइप्स की, लीगल ऑब्लिगेशंस और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस। ठीक, अच्छा हम दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। एन ऑब्लिगेशन कैन बी लीगल, इन अदर वर्ड्स इट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और लेजिस्लेशन और अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि जब जहां लॉ की इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे आपने एक सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बल्कि एक सप्लायर है, आपने एक मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप 1 ईयर तक रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे और वो 1 ईयर तक आपसे बाय करेगा, और 1 ईयर से पहले अगर आपने सप्लाई बंद की या उसने परचेजिंग बंद की तो 5 लाख का फाइन लगे। ये पूरा एक एग्रीमेंट बना लिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, साइन वाइन हो गया सब। ठीक, अब क्या हुआ, 6 मंथ्स के बाद आपने सप्लाई रोक दी, तब आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो ये कहलाएगी आपकी लीगल ऑब्लिगेशन, जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो रही है। ठीक है, ये लॉ में कोई रेगुलर पॉलिसी बनी हुई, काम रूल बना हुआ है कि लॉ बना हुआ कि आपने ये काम किया तो उसके बाद आपको ये काम करना है। जैसे हमारे एक रूल है, जैसे कि जो आपका सीवरेज लाइन, पानी की लाइन या जो टेलीफोन की लाइन वगैरह डलती है तो रोड टूटता है, रोड तोड़ते हैं, खुदाई होती है, लाइन डली जाती है, तो रूल क्या है, लॉ क्या बना हुआ कि आपने उस जगह रोड बनाना है, बंदे नहीं बनता बोलो पाकिस्तान टूटता है। तो ये क्या कहलाएगी, लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि जहां लॉ की इन्वॉल्वमेंट आ जाए वो सब आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है। ठीक, अच्छा कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि जो आपकी अपनी बनाई हुई पॉलिसीज की वजह से आप पे आ जाए, वो कहलाएगी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। जैसे वारंटी में कोई प्रोडक्ट सेल करना, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपने प्रोडक्ट वारंटी में देनी है, आपकी मर्जी है आप प्रोडक्ट वारंटी में सेल करें या ना करें, या रिफंड देना, रिफंड करना कोई रूल नहीं है ना, क्या दुकानदार बिजनेस में रिफंड करेगा, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लॉ नहीं है। आपकी अपनी बनाई हुई पॉलिसी हो सकती है कि आपके बिजनेस की पॉलिसी हो सकती है कि आप रिफंड करें या ना करें। ठीक, तो ये कहलाती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, जो आपके बना अपनी बनाई हुई पॉलिसी की वजह से आप पे आए। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन दैट ड्राइज फ्रॉम एन एंटिटीज एक्शन, आपके अपने एक्शन से है। ठीक, वेयर एन एंटिटी हैज इंडिकेटेड टू अदर्स दैट इट विल एक्सेप्ट, या आपने खुद इंडिकेट किया कि दैट इट विल एक्सेप्ट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज इट हैज पब्लिकली स्टेटेड दिस और बिकॉज इट्स पास्ट एक्शन सजेस्ट दैट इट विल डू सर्टेन थिंग्स इन फ्यूचर। ठीक है, जैसे कि राइट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एज अ रिजल्ट द एंटिटी हैज क्रिएटेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन ऑन द पार्ट ऑफ दोज अदर पार्टीज दैट इट विल डिस्चार्ज दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये कहलाएगी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, जो आपके अपने पास्ट एक्शन या आपकी अपनी बनाई हुई पॉलिसीज की वजह से आप पे आ जाए, जैसे रिफंड करना या वारंटी देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रूडेंस ओन द शॉप, अच्छा यहाँ प्रूडेंस नाम है, शी हैज अ पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग परचेजेस बाय डिससैटिस्फाइड कस्टमर इवन दो शी इज नॉट लीगली ऑब्लाइज टू डू सो, द पॉलिसी इज वेल नोन टू ऑल ऑफ हर कस्टमर्स। तो यहां पर क्या आ जाएगी, इस पे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ हर पास्ट एक्शन प्रूडेंस हैज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू मेक रिफंड्स टू कस्टमर इन फ्यूचर, एट ईच ईयर एंड शी रिकॉग्नाइजेस अ प्रोविजन फॉर एस्टिमेटेड फ्यूचर रिफंड्स। क्लियर हो गया, अच्छा अब ये है एक्टिविटी 3, इसके आंसर्स आप लोग बताएं। इनिशिएट स्टेट वेदर अ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एक्सप्लेन योर रीजन। ठीक जब आते हैं मेजरिंग प्रोविजन, ठीक है, अब जो आपने बात की थी मेजरमेंट की, एन अमाउंट, द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोविजन शुड बी द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, तो प्रोविजन हमेशा एस्टिमेटेड अमाउंट से रिकॉर्ड हो। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रूडेंस हैज अ पॉलिसी ऑफ मेकिंग रिफंड्स टू डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स इफ दे रिटर्न देयर गुड्स विद इन 90 डेज ऑफ परचेज, शी इज प्रिपेयरिंग हर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2004, ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर शी हैज मेड सेल्स ऑफ 95,000, इन थ्योरी इट इज पॉसिबल दैट शी माइट हैव टू रिफंड ऑल दीज सेल्स। ठीक है,
However, she knows that in practice, only about 3% of the goods sold actually turn out to be faulty. So she recognizes a provision of 2,850. 95,000 का 3% प्रोविजन रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक, क्लियर? एक और एग्जांपल है, इसको ठीक है, मेजरमेंट की बात हो रही है ना, कहता है मेजरिंग प्रोविजन किस अमाउंट से रिकॉर्ड करें. प्रोविजन हमेशा बेस्ट एस्टिमेट से रिकॉर्ड होता है, एस्टिमेटेड अमाउंट. एस्टिमेटेड ठीक, अमाउंट जैसे वो सर जैसे इतने फॉल्टी निकलेंगे। इतने परसेंट जैसे डाउटफुल डेट्स में होता है, वो भी एस्टिमेटेड ही अमाउंट होता है ना. अच्छा, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल ये रीड कर लें. एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज, एन अ प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज द डबल एंट्री इज डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट प्रोविजन. ठीक है, जैसे अभी हमने वो एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस में बनाई थी एंट्री, सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर सन्ड्री एक्सपेंस क्रेडिट. अच्छा, व्हेन द एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली इनकर्ड यूजुअली इन द फॉलोइंग ईयर द डबल एंट्री इज, अब हम पे कर रहे हैं तो एंट्री होगी प्रोविजन डेबिट कैश एट बैंक ट्रेड सर हो जाएगा. ठीक है, अच्छा ये तो उसकी बात हो गई वो जो ऊपर वाली आपने बताई वो पहले करेंगे, पहले, प्रोविजन जब निकाल लेंगे, और प्रोविजन जब तब हो निकाली और जाएगा जब पे करेंगे तब ये होगी. अच्छा, अब क्या हुआ, अब इसमें जैसे हम वारंटी या फंड की बात कर रहे, तो ये तो हर साल सेल हमारी होती है, तो हर साल हर ईयर एंड पे एक एस्टिमेट निकलेगा. अच्छा, हर साल हमारी सेल जो है कभी कम होगी कभी ज्यादा, तो उसी हिसाब से प्रोविजन में कभी ज्यादा हो जाएगी कभी कम. तो यहाँ पे ट्रीटमेंट वही होगा जो हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में करते हैं ना, हम वही इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे और फिर इंक्रीज या डिक्रीज के अमाउंट से उसको एडजस्ट करेंगे. एन इंक्रीज, अच्छा देखिए, वेयर अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज रिवाइज एट अ ईयर एंड ओनली द मूवमेंट इन प्रोविजन इज अकाउंटेड फॉर, मतलब सेम वही ट्रीटमेंट है जो डाउटफुल डेट्स का होता है. एन इंक्रीज इन प्रोविजन फ्रॉम वन पीरियड रिपोर्टिंग डेट टू द नेक्स्ट विल रिजल्ट इन एन एडिशनल चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. एंट्री क्या होगी, इंक्रीज के केस में एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट. जैसे सपोज आप पे केस चल रहा है, लॉयर ने कहा भी आप पे फाइन लगेगा 1 लाख, पहला ईयर एंड हुआ, आपने 1 लाख से प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली. अब नेक्स्ट ईयर भी आपका केस चलता रहा, फैसला नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर एंड पे लॉयर ने कहा अब आपका फाइन होगा 1,50,000, तब 50,000 से मजीद प्रोविजन रिकॉर्ड हो जाएगी. ठीक, और अगर लॉयर कहता है कि 1 लाख नहीं, अब 80,000 का फाइन लगेगा, तो 20,000 का डिक्रीज, तो डिक्रीज से फिर एंट्री बनेगी. सही, तो इंक्रीज के केस में एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, और डिक्रीज के केस में रिवर्स प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस ठीक क्रेडिट, सेम वही ट्रीटमेंट जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं. अभी एग्जांपल देख लेते हैं. ब्राइट विंडोज इज इन्वॉल्व इन अ लीगल डिस्प्यूट विद वन ऑफ इट्स कस्टमर हु इज क्लेमिंग डैमेजेस व्हिच हैव बीन एस्टिमेटेड एट 1 लाख. ठीक है, ऑल्दो इट्स लॉयर हैव प्रीवियसली एडवाइज्ड दैट क्लेम एट ओनली अ 40% चांस ऑफ सक्सीडिंग. अच्छा, 40% से रिकॉर्ड नहीं करते. There were new development in the case shortly before the business year end of June 30. Owner of Bright Windows has now been advised that the claim will probably succeeded. More होगा than 50% chance हो गए. A provision of for damages of 1 lakh is recognized in the accounts for the year ended 30 June 2004. तब और provision इस record होगा. अमाउंट सेम है कि परसेंटेज बढ़ रही Percentage बढ़ गई ना. अब provision record करेंगे. एंट्री क्या होगी, अच्छा यहाँ एक्सपेंस की जगह क्लेम का अकाउंट बनाते हैं, क्या लिखा इसने, क्लेम एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन 1 लाख से क्रेडिट. अच्छा, ईयर एंड पे अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो एक्सपेंस अकाउंट तो क्लोज हो जाता है इनकम स्टेटमेंट में, और ये प्रोविजन फॉर क्लेम लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी अकाउंट आपका कैरी डाउन ब्रॉड और डाउन डाउन हो जाएगा. ठीक है, अच्छा ये पहला साल था, अभी कंटिन्यू हो रहा है एक साल और. अच्छा, जून 30, 2005 केस इज स्टिल नॉट बीन हर्ड. However, the lawyer now advised that the amount payable is likely to be only 75,000. Decrease आ गया. 25,000 का decrease है. The provision is reduced by 25,000 and this amount is credited to statement of profit or loss. तो अब entry क्या होगी reduction के, claim credit हो जाएगा, expense account credit, provision account debit. और ये expense account close करेंगे तो ये income statement में close होगा और अभी income statement में credit. क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा. सर प्रोविजन रोल क्लेम एक्सपेंस हाँ नहीं, हाँ क्लेम नहीं है, क्लेम वाला अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है, ये क्लेम वाला अकाउंट आपका एक्सपेंस अकाउंट, प्रोविजन फॉर क्लेम वाला अकाउंट लायबिलिटी है. ये प्रोविजन
तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आया, 25,000 का डिक्रीज आ गया डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्या रह गया 75,000। प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट हो जाए, इसके एंट्रीज हो गई। एंड इसका रिपोर्टिंग लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन इन द फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, तो दोनों क्या है, लाइबिलिटीज है, करंट भी हो सकती है नॉन करंट भी हो सकती है। तो बैलेंस शीट में दोनों करंट, नॉन लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट में दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म है तो करंट में आ जाएगी ना, सेम। अच्छा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज में लोन आ गया और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएगी। करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, ट्रेड पेबल्स, एक्रूवल्स एंड डेफर्ड इनकम, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। वही जो सेम ट्रीटमेंट, जो लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट होता है वही प्रोविजन का ट्रीटमेंट। मोर देन वन ईयर तो नॉन करंट, और लेस विद इन वन ईयर है तो करंट में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ एक्रूवल्स एंड डेफर्ड इनकम। एक्रूवल्स आपकी लाइबिलिटी है, एक्रूड एक्सपेंस। डेफर्ड इनकम प्रीपेड इनकम को कहते हैं, डेफर्ड इनकम प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी में आती है ना। क्या लगता है, प्रोविजन में भी करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल ड्यू। प्रोविजन आर नॉर्मली डिस्क्लोज सेपरेटली फ्रॉम अदर लाइबिलिटीज, पर्टिकुलरली इफ दे आर सिग्निफिकेंट कंपेयर्ड विद अदर पेमेंट्स। अच्छा, प्रोविजन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट था। प्रॉफिट लॉस में क्या होगा, व्हेन अ प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड द अदर साइड ऑफ एंट्री इज either debit to statement of profit or loss, expense charge करेंगे। In other words, there is an expense item। बात है कि अच्छा, an increase in a provision results in an expense to the statement of profit or loss, increase of the expense charge करेंगे। While a reduction in a provision result in a gain, तो ये इनका statement में credit हो जाएगा। A gain such as this is normally reported as a negative expense or sundry income। कि आप चाहें तो उसको एक्सपेंसिव माइनस कर दें अपने एक्सपेंसेस से, या उसको सनरी इनकम रिकॉर्ड करके प्रॉफिट में ऐड कर लें, ग्रॉस प्रॉफिट में कम होगा तो प्रॉफिट में ऐड ही होगा और ज्यादा होगा, या उसको अदर एक्सपेंसेस माइनस भी कर सकते हैं, रादर देन एज रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर। सिमिलर टू ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट और मशीनरी, ठीक है, गेन ऑन डिस्पोजल होता है तो उससे भी हम अदर इनकम में लेके जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर। एक्सपेंस कैटेगरी विल डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन। द कंक्लूजन, लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड बिटवीन करंट एंड नॉन करंट, प्रोविजन आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू मेक अ पेमेंट टू अ थर्ड पार्टी बट वेयर द टाइमिंग और अमाउंट ऑफ दैट पेमेंट इज अनसर्टेन, ठीक है, इट इज द अनसर्टेनिटी दैट डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोविजन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी लायबिलिटी। ऑर्डिनरी लायबिलिटी और प्रोविजन में डिफरेंस क्या है, अनसर्टेनिटी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन विल बी द बेस्ट एस्टिमेट पॉसिबल, इट इज यूजुअली बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर इवेंट्स। अ प्रोविजन मे बी क्लास्ड एज नॉन करंट और करंट और नॉन करंट, ठीक है, ये हो गया क्लियर कंप्लीट, जाके रिवाइज कर लीजिएगा। ये स्टडी डेस्क है। एक चालू हो रही है।